प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के पर्यटन स्थलों को पंख लगाने की कवायद यूं तो 5 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी और यहां स्मार्ट सिटी के तहत कई ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे न केवल धर्मशाला में पर्यटन को पंख लगते बल्कि इसकी ख्याति देश और दुनिया में भी और बढ़ती और यहां पर्यटकों की आमद में भी इजाफा होता। बावजूद इसके उन बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आज भी पंख नहीं लग पाए हैं। नतीजन आज भी अधर में लटकी उन परियोजनाओं को कभी फॉरेस्ट क्लियरेंस के झोल में फंसा दिया जाता है तो कभी सियासत के समर में शस्त्रों के तौर पर प्रयोग कर लिया जाता है। धर्मशाला से मैक्लोडगंज को जोड़ने वाली करोड़ों की महत्वाकांक्षी योजना रोपवे का भी कमोवेश यही हाल है। साल 2016 में धर्मशाला से शुरू हुई ये परियोजना आज भी कई उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। अधर में लटकी इस परियोजना ने विगत 3 सालों में सियासतदानों के लिए मोहरे के तौर पर खूब लाभ पहुंचाया है। बावजूद इसके खुद ये अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि बीते साल लोकसभा चुनावों के दौरान सत्तासीन सियासतदानों ने इसे साल के जुलाई माह में लोगों के सुपुर्द कर देने तक का वायदा कर रखा था, मगर दुर्भाग्यवश कोरोना ने रोपवे की रस्सी को खंभों पर चढ़ने ही नहीं दिया। ये महत्वाकांक्षी परियोजना पूरी होती या नहीं, मगर सियासत दानों के वायदों के मुताबिक जनता से ज्यादा विपक्ष इस साल इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर सकता था। बावजूद इसके कोरोना ने उन वायदेदारों के लिए ढाल के तौर पर खूब भूमिका निभा दी। ऐसे में अब वन विभाग के अधिकारियों ने इस बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर जो बयान दिया है वो तो हुक्मरानों की करनी और कतनी की ही पोल खोल दे रहा है। एक तरफ सरकार ये कह रही थी कि इस साल जुलाई महीने में रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इसे फाइनल अप्रूवल साल 2017 से ही मिल गई थी। उसके बाद फाइनल इन प्रिंसिपल अप्रूवल साल 2019 में भी मिली थी। बावजूद इसके अभी तक यूजर एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर एंटरटेन ही नहीं कर पाई है। यानी पूरा साल गुजर जाने के बावजूद भी यूजर एजेंसी वन विभाग के समक्ष अप्रोच करने नहीं पहुंची कि आखिर केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा रोपवे निर्माण को लेकर किस तरह के नियम और शर्तें जारी की गई हैं। वन विभाग ने इस केस को प्रोसेस किया था और इसकी जो फाइनल अप्रूवल है वो यूजर एजेंसी के फेवर में आ चुकी है। 1 जून 2017 को इसकी फाइनल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने दे दी है। देखिए 18-19 में वन विभाग द्वारा इसकी जो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन, जितनी लैंड हमने रोपवे बनाने के लिए डाइवर्ट की, उससे दुगनी लैंड पे हमने कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन 2018-19 में की हुई है, पौधारोपण किया हुआ है। देखिए वन विभाग की तरफ से ये केस प्रोसेस हुआ था और इसकी जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेज वन अप्रूवल भी बोलते हैं जिसको, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट से 24/5/2019 को आ चुकी है। अब यूजर एजेंसी जैसे ही उन पे स्टिपुलेशंस कंडीशन स्टिपुलेट की गई हैं, उनके अगर अनुपालना करती है और नेट प्रेजेंट वैल्यू, ट्री कॉस्ट और सीए कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन की कॉस्ट जमा कराती है, तो इस केस को फाइनल अप्रूवल के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा।